इसके अलावा एक महिंद्रा जिस तरह से यहाँ बायबैक के लिए बोर्ड मीटिंग है और ये अपने नए 52 वीक हाई पर खुलता हुआ नजर आएगा, तो किरण इस स्टॉक को खुलने के साथ ही तुरंत जैसे ही मौका मिले तेजी कर लेंगे आप? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग पहले तो। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, 810-812 ये लोग जो लेवल है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, पर मेरा मानना है कि जो मोमेंटम हमें फ्राइडे को देखने को मिला था करीबन दोपहर के 12:30 के बाद, बहुत ही वर्टिकल रैली देखने को मिली। 775 से करीबन 802 तक की रैली हमने देखी और जिस तरीके के से शॉर्ट पोजीशन ट्रैप होते नजर आ रहे हैं, और ये पॉजिटिव न्यूज है, मुझे लगता है कि ये 810-813 का जो रेजिस्टेंस है वो निकल जाएगा और एक बहुत बेहतरीन अपसाइड देखने को मिलेगी। मेरा मानना है लॉन्ग पोजिशन ही रखनी चाहिए इस काउंटर में। टारगेट देंगे आपने कहा बेहतरीन अपसाइड, कहां तक? कहां तक? ये 813-815 के ऊपर जब ट्रेड होगा सवनों के बाद, तो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। मुझे वो डिमांड सप्लाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, लेकिन समीर आप कि इधर एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिल रहा है जो कि स्टॉक को करीबन 152-153 लेवल्स को टेस्ट करता नजर आ जाना चाहिए, तो इधर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। जेएसपीएल पे मेरा कोई ऐसा पॉजिटिव व्यू नहीं है जहां पे बहुत बड़ी आपको मूव देखने को मिल जानी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है प्रदीप जी, और ये लेवल है करीबन 144 का। जब तक ये 144 निकल नहीं जाता तब तक इसमें मैं पॉजिटिव रुझान देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात है, तो रखिएगा नजर इस पर। और देखिए बाजार में लेकिन आप देखिए आईटी में कमजोर शुरुआत ही हो रही है, टीसीएस पर भी नजर डालिए, तेजी से गिरता हुआ ये स्टॉक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, मंदी की राय यहाँ भी बनती है दिग्गज टीसीएस में? टीसीएस में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। काफी स्टॉक्स अगर हम देखते हैं तो हेक्सावेयर, इधर भी थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है। हमने केपीआईटी के बारे में बात की, उधर भी थोड़ी सी वीकनेस है, पर टीसीएस खास करके बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। ये मेरी एक शॉर्ट कॉल रहेगी 2030 के स्टॉप लॉस के साथ आज के इंट्राडे ट्रेड के लिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आपको करीबन 1975 से लेकर 1965 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए टीसीएस में। बिल्कुल, तो TCS इसको अगर आप बेचकर चलेंगे किरण इस पर नजर डालिए, एक शॉर्ट का ट्रेड देखते हैं कि आप करीब 400-500 रुपए की एक अच्छी रिकवरी के बाद आज शुरुआत में ही जिस तरह से देखिए दिन के हाई से गिरावट शुरू हुई है, शॉर्ट का कॉल लेंगे? बिल्कुल शॉर्ट का कॉल लेना चाहिए, और पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में जो थोड़ी सी बिकवाली या डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, आज इसमें अच्छी बिकवाली देखने को मिल रही है और लॉन्ग स्ट्रैप हो चुके हैं। हर राइज में इसमें बिकवाली पिछले 4 दिन में देखने को मिल रही थी, और अभी इमीडिएट टारगेट आज के इंट्राडे सेशन के हिसाब से 2735 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 2720, तो ये टारगेट मान के चलने चाहिए, शॉर्ट पोजिशन अभी लेने चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2795 का। बात है, तो ये राय बास पर। और देखिए ग्लोबल मार्केट्स के बढ़िया, ये भी देखिए 4% नीचे इस समय कारोबार कर रहा है ये स्टॉक्स, आज काफी सारे देखिए मुझे दबाव में देख रहे हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दीजिए नीचे में क्या है। इन्फीबीम में अच्छा सपोर्ट करीबन आपको देखने को मिलेगा 36, 36.50, 37 के तरफ, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, इसके नीचे जाता है तो वापस एक बार भारी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। हिमेश बताइए, के पास एक नया नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो अगर आप, अरे सर बताइए बताइए, देखिए अपोलो हॉस्पिटल बेचने की सलाह है, अभी इमीडिएट बेचना चाहिए, 1110 के करीब फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है और जो 2-3 दिन का जो पुलबैक रैली देखने को मिला था वो आपको फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी टेस्ट नहीं किया और इतनी वीकनेस के साथ चल रहा है। 1100 को एक बार लेवल टूट जाए तो मेरा मानना है कि आज के लिए टारगेट्स करीबन 1070 यानी बहुत बड़ी डाउनसाइड करंट लेवल से देखने को मिल जानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, करीबन 1116-17 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस, और जैसे मैंने कहा 1070 के टारगेट्स। अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो डेरिवेटिव डेटा में करीबन 6% के ओपन इंटरेस्ट एडिशंस पहले 1 घंटे के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो काफी बड़ी शॉर्ट पोजिशंस बनती नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं 1070 तक के लेवल भी आ सकते हैं, राजा बनेगा सर्वेंद्र जी तो कह रहे हैं 10300 पर बनेगा। अभी परसों का जो लेवल है 10600 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने नवंबर के बॉटम्स अगर सब ज्वाइन करते हैं तो 10630 की ट्रेंडलाइन वैल्यू आती है और पिछला स्विंग लो 10600 है, तो ये 30 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इन लेवल्स के करीब एक बाय करने की चेष्टा करूंगा, पर ये अगर लेवल्स टूटते हैं तो फिर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये टूटने के बाद ही वो मंदी वाली बात करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। अच्छा पालवे साहब आपका क्या मानना है? अच्छा
देखिए ये तो काउंटर है वीक और ये इंटरमीडिएट करेक्शन में है और मेरा मानना है कि इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट है जो 1520 के है वो लेवल टेस्ट हो जानी ही चाहिए। और प्रदीप जी इसमें आपका स्टॉप लॉस अभी अगर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो 1590 का रखना चाहिए, तो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड्स है। प्रदीप जी एक काउंटर मेरे रडार पे अभी भी आ रहा है, तो अभी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पे बात करूं। ये भी पांडे का फंडा में ही काउंटर था, कजारिया सिरामिक। इसने एक बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन देखने को मिला है और पिछले 10 मिनट में अगर आप ओपन इंटरेस्ट एडिशंस देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे थे। अगर हम कजारिया सिरामिक की बात करें तो इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट एडिशंस जिस तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं तो करीबन 6% की ओपन इंटरेस्ट एडिशंस पिछले 4 मिनट में देखने को मिल गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन इसने तोड़ दी है, मेरा मानना है कि ये पहला टारगेट आपका करीबन देखने को मिल जाएगा वो 484-485 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। और जो इस थोड़ी देर पहले मैंने अपोलो हॉस्पिटल की का कॉल दिया था वो भी बहुत अच्छा चला है, अभी करीबन फ्यूचर में 1096 के लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं और आपके टारगेट्स के बहुत करीब आ रहा है, तो उसी तरह से कजेरा सिरेमिक्स भी अच्छा परफॉर्म करता नजर आ जाना चाहिए के टारगेट है ना यहाँ पे। तो कजारिया सिरामिक्स में अभी गिरावट शुरू हुई है इसलिए यहाँ पर आपको इस लिहाज से शुरू हुई है मैं कह रहा हूँ कि एक नया ब्रेकडाउन। क्या लेवल्स आप अहम देखते हैं इस समय अगर कोई एंट्री ले रहा है तो, चाहे वो दो चार दिन के नजरिए से ले रहा हो या दो चार हफ्ते और लंबे नजरिए से ले रहा हो जैसे सुदर्शन कह रहे हैं? दो तीन हफ्ते का नजरिया रखना चाहिए इस काउंटर में ओबेरॉय रियल्टी। मैं स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन दूंगा क्योंकि इसने करीबन पिछले 3 महीने का कंसोलिडेशन का अभी ब्रेकआउट दे रहा है और एवरेज वॉल्यूम्स अगर आप 1 महीने के देखते हैं तो वो करीबन 50% के ऊपर के वॉल्यूम पहले 1 घंटे में ही देखने को मिल रहा है, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, डिमांड देखने को मिल रहा है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 470 का, 486 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स के लिए 550 के लेवल्स दो तीन हफ्ते में देखने को मिल जाने चाहिए। तो इस पर रखिएगा नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन जी समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ प्रभुदास लियादर के ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब आपका